बीजेपी तीसरी बार भी आगे नहीं देश का सत्यानाश हो गया। बच्चे जब तुम्हारे पढ़ेंगे नहीं अनपढ़ होंगे, टाल बजावेंगे मंदिर में और कुछ नहीं। सरकार बदलोगे या रखोगे? केजरीवाल में क्या कमी थी? वो भी अंदर ठोक दिया। कोई यूनिवर्सिटी खोल ली हो, कोई कॉलेज खोल लिया हो, कोई शिक्षा स्वास्थ्य किसी चीज पे ध्यान दिया हो, उसने भी किसान ना खतर इस्तीफा दिया, उस तभी नहीं बैठ सकते। केजरीवाल का क्या खुर्दा बेचारा का, वो ठोक दिया भीतर। लेकिन अब टोटल अखबार में एक और कहते हैं इनका थोड़ा हाँ कड़ुआ है वो तो ठीक है। चढ़ता हरियाणा देखने वाले सारे प्यारे दर्शकों ने सोनू अजय बैनीवाल की प्यार भरी मीठी मीठी राम राम। आज भाई आपका अपना चहेता चैनल चढ़ता हरियाणा बिल्कुल निष्पक्ष सर्वे करने जाना लग रहा है। राम राम बोलना है भाई। दो तीन तो कर्मचारी राम सिंह बैनीवाल गाँव चंदाने से। ऐसा जी अगर बीजेपी तीसरी बार भी आगे नहीं देश का सत्यानाश हो जाएगा। क्या तक हो जाएगा सत्यानाश? बिल्कुल सत्यानाश। किसी ने देखोगे ना जी, जो सभी लीडर थोड़ा सा ऊपर था दिखे नहीं, उस सीबीआई उसने अंदर ठोका। केजरीवाल में क्या कमी थी? वो भी अंदर ठोक दिया। केजरीवाल वर्गा मुख्यमंत्री एक भी नहीं हिंदुस्तान में, वो भी अंदर ठोक दिया। जो सा बोल लगा उसी के पीछे ईडी और सीबीआई बजेड़ में ठोको और अपने धक्के चाई चलाओ। ये तो नहीं मोदी गारंटी, मोदी गारंटी 5 किलो दाने में महीना दे क्यों कह दिया, कौन सा कह देगा, छोड़ो हो जाए 5 किलो दे दिया। अरे सर रोजगार मांगो। राम मंदिर बना दिया, द्वारा 370 तोड़ दी। पहला मंदिर कौन से देश में, दुनिया भर के मंदिर है। अरे के बना दिया जो चंदा उल्टा कह के बता मैं चंदा भी खा गए, चंदा खा गए और राम मंदिर को सर रोजगार देगा जी। रोजगार तो आप रोजगार दो, उससे सारा परिवार भी सारा समृद्ध हो जाएगा, समृद्ध हो जाएगा भाई। हमने तो बलकार है नाम तो, और वोट देंगे इसकी आम आदमी पार्टी वाला की, सुशील गुप्ता की देंगे। सुशील मारी तो जनसी बगड़ मार ले मेरे श्याम में, जे 70% पोल होगी नहीं 60% वोट तो सुशील गुप्ता पे जाएगी। सुशील गुप्ता तो कह नहीं जमा कमजोर कैंडिडेट है, जिंद लिस्टा तकड़ा है, अभय चौटाला लिस्टा तकड़ा है। यू तो इलेक्शन था पहला हर जाओ फिर वोट देंगे हम तो उसकी, जो मन बना लिया नहीं फाइनल मन बना लिया, फाइनल कर दिया। 2014 चुनाव था नवीन जिंदल लड़ रहे थे, प्रधानमंत्री जी ने एक बात बोली थी कि भाई ये तो कोयला चोर है, आज इसी फिर दो दिया नहीं यू स्टीन दे दिया, कितने करोड़ रुपए दिए, हिंदोर बन गया इनका चेहरों भाई, यहाँ रेल लाइन का ठेका दे दिया। अच्छा जिंदलोर था तीनों भाई यहाँ ऋषि माता भी अलग अलग चार रेलवे लाइन का ठेका दे दिया इनता। और इस पता वो बॉन्ड से खरीद कर इलेक्शन लड़े 125 करोड़ कितना इस पता चंदा ले लिया बीजेपी ने। अच्छा तो राम राम। राम राम भाई नाम बता दे सब। राम फड़ा भाई। राम फड़ा लोकसभा के चुनाव है, मोदी तो 400 पार और विपक्ष कभी कहने का जमुना पार, कौन सा पासा लग गया बात है? जमुना पार होनी जीव का तो जमुना पार होगी हाँ, अंतर्राज्य लिस्ट है मोदी थे। फिर किस तरह दोगे वोट? एक तो अभय चौटाला खड़ा हो रहा है, एक नवीन जिंदल खड़ा, आम आदमी दे देंगे। अच्छा आम आदमी दे, आम आदमी का लगा देंगे। पक्की बात है, मन बना रखे, मन बना रखे। अच्छा वोट उस तरह जाएंगे, आम आदमी देंगे। ये तो कहने का कैंडिडेट लो वैसा है क्या लाला का, आम नहीं कुछ हो, आम नजर लेकर ठपने चल रहा है, आम तो उसकी देंगे। राम राम ताऊ। राम राम जी। सबसे पहले नाम बता देता हूँ अपना, ताराचंद। ताराचंद ताऊ, लोकसभा का चुनाव का बिगुल बज गया है, मोदी तो कह रहे हैं 400 पार और विपक्ष साढ़े सारे इकट्ठे होकर इनको जमुना पार, जो पहले तो नहीं बोल देगा इनका जमुना पार। फिर इनका के रंदा दिखा है आपने भाई, का तो जी तो नहीं करा जमुना पार कर दिया। अच्छा हाँ पक्की बात है। हाँ सारी चीज़ों में तंग कर रखी है जनता। फिर काम की बात है जिन प्रधानमंत्री के पास तो गिनाने के लिए बहुत कुछ नहीं, 370 तोड़ दी बनाया, राम मंदिर बना दिया बनाया। मुद्दे की बात एक बता दे भाई, यू मेन मुद्दा यू कर भाई सरकार ने, कोई भी कोई यूनिवर्सिटी खोल ली हो, कोई कॉलेज खोल लिया हो, कोई शिक्षा स्वास्थ्य किसी चीज पे ध्यान दिया हो, स्कूल तो बंद कर दिए हमारे, जो स्कूल थे मर्ज कर दिए, मास्टर आगे सरप्लस करके और कड़ियां भेज दिए। फिर बच्चे जब हमारे पढ़ेंगे नहीं अनपढ़ होंगे, टाल बजावेंगे मंदिर में और कुछ नहीं कर दे। बात तो ठीक है। और ये है ना जो आयुष्मान कार्ड बना दिए 5-5 लाख के, नहीं 5 लाख तक का लिहाज कोई करा लियो, चलो ये तो स्कीम है। स्कीम ठीक है, अच्छी है, गरीब आदमी ने सारा मिल गया, लेकिन मेन स्कीम तो पढ़ाई की है। जिन गरीबा ने पढ़ाई देना स्कीम की लोड़ है, के करेंगे स्कीम का? बिल्कुल पढ़ाई दे दो, मैं उन्हें स्कीम की लोड़ों को नहीं। फिर इस बार है ना 3 कैंडिडेट अपने कुरुक्षेत्र के रण में कूद चुके हैं, 3 उधरंधर हैं, बड़े बड़े दिग्गज हैं, एक अभय सिंह चौटाला जी हैं, एक डॉक्टर सुशील गुप्ता जी है, एक नवीन जिंदल है। फिर कौन सा जीता होगी? देखो विपक्ष में जिताना चाहवा हम तो, सरकार के विपक्ष में
वो सलाह विचार करके किसी ने देवे फिर देखा भी। राम राम। तो राम राम भाई, नाम बता दे सबसे पहले आप। मनोज कुमार है भाई। तो मनोज जी ये बताओ, चुनावी रण आ गया बिल्कुल और नजदीक है चुनाव और प्रत्याशी भी आ गए हैं लगभग कुरुक्षेत्र से, तो डॉक्टर सुशील गुप्ता जी खड़े हैं, नवीन जिंदल जी खड़े हैं और अभय सिंह चौटाला जी खड़े हैं, किसका समर्थन में जाओगे भाई? देख बीजेपी का तो समर्थन करते हैं। अच्छा, बीजेपी के खिलाफ? बिल्कुल खिलाफ है। खिलाफ? बीजेपी तो रोज के तो प्रचार करने लग रहे हैं, हमने ये कर दी ये कर दिया, बिना खर्ची पर्ची नौकरी लगाई है। अरे भाई क्या ना ईडी गल्ला लाओ हमारे वहां, हमने भी डर लग गए क्यों, वह तो बड़े बड़े अलग अलग कोई छोटी ईडी भी होगी भाई, ज्यादा कुछ कंधे नहीं मां मैं तू के मेरा कथरो तो कोई छोटी मोटी ईडी मार अगर लग ले, बाकी बीजेपी की वोट कौन देंगे? अरे इनमें तो फिर कौन सा, ये दो रह गए, दो अभय सिंह बच गया और ये डॉक्टर सुशील गुप्ता जी बच गए। यूं भी रखे हमारा सारा परिवार बैठा और थोड़ी वोट को नहीं मारी, सलाह कर कर हम इकट्ठे कितनी वोट है? चलो वोट तो बता दो। वोट तुम्हारी होगी 400-500 बीजेपी ने नहीं कुछ भी, बीजेपी की वोट नहीं देवांगे। लोकतंत्र बड़ा खतरे में है। लोकतंत्र खतरा में जाता है क्यों नहीं? कैसे? सरकार की पॉलिसीज क्या है आपने पता इस बात के बारे में? मतलब ये कोई तरीका थोड़ी है कि थोड़ा सा कोई मतलब सच्चाई व्यक्त कर रहा है तो उस पर ईडी सीबीआई आईटी, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना बात? और क्यों या इसके तो आप भी जानकार हो इस बारे तो जी, लेकिन वो तो ये कहवा है नहीं कि भाई अगर ईडी सीबीआई कड़िया जावे है नहीं तो भ्रष्टाचार तो करे होगा, कुछ न कुछ तो कपला करे होगा, तभी तो जावे है। ठीक है, जैसे नवीन जिंदल का स्कैम था, मोदी जी के वर्डिंग है, ठीक है, आज ये सफाई होगी, इसके बाद कौन सी वॉशिंग मशीन आवा जिस तरह साफ होकर आ गया? अच्छा, मतलब जो बीजेपी में चला जावा है सारे दूध के धुले हो जाए, दूध का धोए हो जाए, बिल्कुल चिट्टा हो जाए जमैन। ये बात देख लिया, बात रोज की बात थी, स्कैम में था, कोयला स्कैम होया है, तिजोरी में था। मोदी वाली वर्डिंग बोलने लग गया। नहीं, बात मोदी की वर्डिंग नहीं है, ये मेरी खुद की पर्सनली वर्डिंग है। उनने भी तो बोल ही देना भाई तिजोरी में तो नहीं नहीं कोयला रखा जावा है। हां, फिर यही बात ना, फिर आज कोयला साफ हो गया, चिट्टा हो गया ना। देखो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब खाम खाई का मतलब थोपन लग रहे हैं। केजरीवाल का केक उठता बेचारा का, वो ठोक दिया भीतर, जो इनके साथ जुड़े जाए नहीं वो तो साफ है, अदरवाइज सारे बेकार हैं।